जय श्री राम भाई लोग। तो कैसे हो आप सब? तो गाइस, आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस, चैनल पे मेंबरशिप ऑन हो चुकी है, तो आपको लेना है तो आप ले लीजिए। कितने टीम आई टारगेट करने? लिटरली मैं गिन के, हाथ पे गिन के बता था, 4-5 टीम आई थी लेजिट टारगेट करने। ठीक है, जी तो अबे जी की तो जी आई तो पहले मैच में, सेकंड लास्ट मैच में जी आई। और जो कल गोडल वाली बात है कि गोडल को हमने थर्ड, वो क्या नाम है, टारगेट करा है, गोडल को थर्ड पार्टी करा है हमने। अगर तुम उसका रीज़न जानोगे तो क्यों, तो मैं बताता हूँ कि आरजी के साथ उनका एक नोक हुआ था। पता नहीं किसने, सिंप ने या शायद एडमिनों ने एक किल उठाया था आरजी का, ठीक है। तो उनकी फाइट चली थी। अब मेरे को पता था कि आरजी कहाँ उतरती, आरजी ऊपर उतरती। अगर तुम देखोगे, तुम मेजर टीम को हटा के देखो, सिर्फ हमको देखोगे ना, तो हम आरजी को मारने उनके ड्रॉप पे भी जाते हैं। उनको भी आइडिया कि आरजी आती है और हमको भी आइडिया कि आरजी आती है, ठीक है। अब उनकी फाइट हो रही है तो मेरे को पता है वो कहाँ उतरते हैं, और प्लेन पाथ जैसा था हमको ही पता था कि वो किस जगह फाइट हो सकती है। अब हम उधर गए फाइट लेने, ठीक है। उनकी फाइट खत्म हो चुकी थी, मेरे को नीचे एक बंदा दिखा, जस्ट मैं तुमको बता रहा हूँ, वो तो शुक्र मानो कि स्लग अलग जगह चला गया गलती से, टियारा की जगह वो टोरे चले गया। अगर वो टियारा आता, और नीचे हमारे बंदे एक लूट रहा था गोडल का, हमको बहुत देर से पता था, बताया हमको बहुत टाइम्स पहले से पता था कि नीचे लूट रहा है, और हम बैठे थे कि इसको मार लेंगे पहले, सबको एक साथ आना, सब साथ पुश करेंगे। पर हमने पुश फिर क्या किया था, स्लग की वजह से डिले हो गया था, स्लग और बीच थोड़ा पीछे थे तो वो लेट आए। तो जब हमने पुश करा, तब तक गोडल वाले दो बंदे आगे जा चुके थे अपने कैंप में, मिलता ड्रॉप की साइड, मतलब वो उस पर भाग रहे थे मॉन्स्टर ट्रक पे। तो हमको ये था कि चेस करके मार लेंगे वो, हमको नहीं पता था कि शायद, हमको लगा था शायद आरजी यहाँ फंस गई और कैंपों में शायद गोडल हो, क्योंकि आरजी के तीन बंदे बचे थे। आरजी के नोक की वजह से, जब सिंप ने एडमिनो जिसने भी नोक दिया था एक आरजी का, तो हम उसकी उस फाइट की वजह से वहां पर गए थे। अगर हमको टारगेट करना हो तो 6 के 6 मैच कर लेते हैं, पर हमको टाइम कहाँ मिला, हमारे ऊपर ही टारगेट हुआ है ना। तो तुम सैनो काउंट करोगे हमारा, ना तुम हमारा एरेंगल काउंट करोगे। हमारे लिए तो कोई काउंट ही नहीं करेगा ना कि हमारे ड्रॉप पे चार चार टीम आई है, क्योंकि वो हमारे लिए थर्ड पार्टी। तो वैसे ही उसको लो कि हमने भी आरजी और गोडल की फाइट देख के वहां पर गए। नॉर्मली गोडल हैसियंडा उतरती है, अब कैंपो मिलितार गई है, सोचो कैंपो मिलितार गई है यूजलेस, ठीक है, ऊपर गई है। अब हमको पता आरजी और वो वहां पे उतरे हैं, तो हम वहां फाइट ही लेंगे ना, अगर उनका एक नॉक हुआ तो हम भी तो जाएंगे ना थर्ड पार्टी करने। तो इस तरीके से नॉर्मल लो, ठीक है। तुम्हारे उसमें गॉड लाइक में सिंप है, भाई है मेरा, उससे मैंने कॉल करा था कि तुम्हारा ड्रॉप क्या है, तुम टियारा जाते हो या फिर कहाँ जाते हो। तो फिर मेरी जैली से बात हुई थी, जैली जस्ट मेरे को ये बोला था कि जब आरजी नहीं आती है तब हम टियारा जाते हैं, ठीक है। जैली ने ये बताया था कि हमारे दो ही ड्रॉप हैं, हैसियंडा और दूसरा हम जाते हैं टियारा, आरजी अगर नहीं आती है तो, ठीक है। अब सोचो जैली ने बोला ये बात मेरे को ये था कि दो ड्रॉप हैं उनके, टियारा और हैसियंडा। हैसियंडा वो गई नहीं क्योंकि आरजी से फाइट हो रही, तो ऑब्वियस सी बात है हैसियंडा नहीं गए। आरजी कहाँ जाती है, आरजी ऊपर जाती है हमारे टियारा में, तो अगर उन दोनों की फाइट हो रही तो हम थर्ड पार्टी करने जाएंगे, नॉर्मल सी बात है ना। तो इस तरीके से लो, मेरे हिसाब से तो गोडल को थोड़ा बुरा लगा होगा, पर बाकी अगर मैं बात करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है ठीक हो जाऊँगा, वो ठीक हो जाएंगे।